हेलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सीरीज में ये है, कमेंट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल अमिड्स कोरोना वायरस आउटब्रेक, एनालाइज इट्स प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी। हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, ठीक है, अमिड्स कोरोना वायरस आउटब्रेक, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये तीन मोटी मोटी बातें जो क्वेश्चन बोल रहा है। दोबारा पढ़िए, कमेंट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल अमिड्स कोरोना वायरस आउटब्रेक, एनालाइज इट्स प्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जितना पता है लिख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है, वो गिरती जा रही है। ठीक है, इट इज गेटिंग वर्सनिंग डे बाय डे, वर्सनिंग डे बाय डे। ठीक है, कुछ अभी के हाल ही के रीजंस हैं और कुछ थोड़े पिछले रीजंस हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर जो मेजर तौर से लड़ा गया था बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ठीक है, और दूसरा था कोरोना वायरस आउटब्रेक। ये दो बड़े रीजंस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन आज बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों को आप स्टेट करेंगे। अच्छा, आप ये सोचिए कि मैं ट्रेड वॉर को कैसे स्टेट कर पा रहा हूं यहां पे इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में दर्शाने के लिए। देखें, एक वर्ल्ड है, एक इसको समझिए, ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन पता है? ठीक है, मैं इन दोनों फिनोमेना को इसलिए समझा रहा हूं ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और हो रही है। बात समझ रही है? तो ग्लोबल सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन से ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन ओवरऑल तरीके से वर्सन करती जा रही है डे बाय डे, और उसके दो मेन कारण हैं, जो ट्रेड वॉर चल रही थी यूएसए और चाइना के बीच में, और जो हाल ही में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ। इतना समझ में आया? चलिए, तो आप आंसर को जब स्टार्ट करेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को बताएंगे, ठीक है, कि गिरती जा रही है, ठीक है, और चिंताजनक है, ट्रेड वॉर का रीजन डालेंगे और कोरोना वायरस आउटब्रेक का रीजन डालेंगे, बाद में आप डालेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इन दोनों की वजह से प्रभावित हो रही हैं, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन होते क्या है। तो मैं बताता हूं ग्लोबल सप्लाई चेन होती क्या है। देखिए, हम मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, याद रखना किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे अ सीरीज ऑफ कंपनीज और इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब्स होते हैं। ठीक है, अगर उस चेन में कोई भी एक इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं करता है या फिर मिसिंग हो जाता है, तो पूरी की पूरी चेन ब्रेक हो जाती है, जिससे आउटपुट और सेल्स पे फर्क पड़ता है और कंपनी के प्रॉफिट्स गिरते हैं। बात समझ आ रही है? अब ध्यान सुनिए, जैसे सपोज करिए कि मुझे एक कार बनानी है, ठीक है, कार बनाने के लिए कार का ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट, डी कंपोनेंट, चार सबसे छोटी कंपनी बना रही है, इनफॉर्मल सेक्टर मान सकते हैं। ठीक है, कार के जैसे पहिया बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, ठीक है, फिर यहां से सामान इकट्ठा होता है, ठीक है, ये यहां पे आके सी कंपनी में पहुंचता है और यहां पे आके ई कंपनी में पहुंचता है। यहां ई कंपनी मान लीजिए, यहां पे एफ कंपनी मान लीजिए, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ता है, ठीक है, ये है के कंपनी, ठीक है, यहां पे जितना भी कंपोनेंट्स बना है वो असेंबल होगा, फिर आगे जाके वो एच कंपनी में, जहां पे कार अपना सेल करेगा, शोरूम होगा, ठीक है, और ये आगे मार्केट, ये मार्केट के जरिए कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ठीक है, आप सोचिए कि ए बी सी डी ये सबसे छोटी कंपनी है, ठीक है, पर कार के प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभा रही है, निभा रही है, हो सकता है कोई नट बोल्ट बना रहा हो सकता है कोई सीट कवर बना रहा हो सकता है कोई टायर बना रहा हो सकता है कोई एलॉय बना रहा हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये जब आगे बढ़ते हैं, ठीक
ठीक है, फिर उनको असेंबल करते हैं और कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कार को मैन्युफैक्चर पूरी तरह से असेंबल करते हैं, फिर शोरूम में बेचते हैं। अगर सपोज करो कि कार बनाने वाली इस पूरी इकाई में ये कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, अचानक से टायर बनने बंद हो जाए, तो क्या बिना टायर की कार बिकेगी यहां पे? नहीं बिकेगी, ठीक है। तो और फिर ऑल्टरनेटिव क्या होगा हमारे पास, कि हम बी का ऑल्टरनेटिव ढूंढें या फिर बी को दोबारा स्टार्ट होने का इंतजार करें, ठीक है। तो यही पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन होती है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन होती है ये, ठीक है। मार्केट तक पहुंचने, इंडस्ट्री से मार्केट तक पहुंचने में किसी भी प्रोडक्ट की कहानी उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन बताती है। और ये ग्लोबल सप्लाई चेन की दुकानें, ये ए बी सी डी ई एफ, जरूरी नहीं कि एक ही कंट्री में पाई जाए, ये अलग अलग कंट्रीज में पाई जाती हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना जो मैं बताने जा रहा हूं कि चाइना एज अ नेशन, उसने अपनी सक्सेस स्टोरी में इतनी बड़ी भूमिका इसलिए अदा करी है क्योंकि वर्ल्ड की मैक्सिमम सप्लाई चेन का ओरिजिन ए बी सी डी ये चाइना में होता है, ठीक है। और चाइना में भी कोरोना वायरस आउटब्रेक और ट्रेड वॉर की वजह से ये सब कुछ लॉकडाउन में था, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज लॉकडाउन थी या फिर लोग काम नहीं कर रहे थे, डर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वर्ल्ड की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही थी। तो वर्ल्ड ऑल्टरनेटिव खोज रहा था, ठीक है, बात समझ आ रही है। और ट्रेड वॉर में भी यही हुआ था, ट्रेड वॉर में भी टैरिफ बढ़ा के आपने इन इंडस्ट्रीज को डिसफंक्शनल किया था यूएसए ने, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन जो ट्रेडिशनली तौर पर वर्ल्ड में स्थापित थी, वो डिस्टर्ब हो रही थी, इतना समझ आया। तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब क्यों हो रही है, हमने रीजन बताया, ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस आउटब्रेक, ये दो क्लियर हुआ। चलिए देखो, सपोज करो कि कार की सेल नीचे जा रही है, ठीक है, जो कार की इंडस्ट्री बना रही है उसकी सेल नीचे जा रही है, ठीक है। ए बी सी डी में से कोई एक कंपनी लॉकडाउन की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से यहां से मिस हो गई, सपोज करो ई मिस हो गई, ठीक है, तो कार तो बन नहीं पाएगी, तो कार का आउटपुट कम हो जाएगा। अगर कार का आउटपुट मार्केट में कम हो जाता है तो कार की सेल्स कम हो गई, एक तरीके से कार की सेल्स कम हो गई है, बात समझ आ रही है। तो कार की शेयर वैल्यू मार्केट में, अगर शेयर वैल्यू है उस कंपनी की, तो वो डाउन होगी, ठीक है, तो कंपनी को लॉस होगा। इस तरीके से वर्ल्ड में जगह जगह लॉस हो रहा है कंपनीज को, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट नीचे जा रहा है, और इकोनॉमिक आउटपुट नीचे जा रहा है तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही है, बात समझ आ रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन दिन प्रतिदिन वर्सन अप होती जा रही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझा देंगे आप, ग्लोबल सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देंगे कि मेन रीजन जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी को नीचे जाने का ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने की वजह से है, ठीक है। चलिए देखिए, जब इंडिया ने भी लॉकडाउन दिया था, इसको नोट मत करना, इसको लिखना, वो इसको आंसर मत डालना, इंडिया में जब लॉकडाउन किया था तो इंडिया में काफी सारी मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, लॉकडाउन के जरिए इनको बंद, पूरे वर्ल्ड को सबको बंद कर दिया, तो काफी सारी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं इनफॉर्मल सेक्टर में जो रन करती हैं, ठीक है, देखो जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, ये इंडिया के जीडीपी का लगभग 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है और 90% इनफॉर्मल सेक्टर के अनएम्प्लॉयमेंट में, इनफॉर्मल सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट देती है, बात समझ आ रही है। तो 50% जीडीपी में और 90% एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, ठीक है, जो फिर जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री जो है, ठीक है, तो इतनी बड़ी बात है। और लॉकडाउन में एसएमईज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो इनिशिएटर्स होती हैं सप्लाई चेन्स की, जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ठीक है। तो इंडिया में यही हो रहा है ना। और तो और जितने भी ये गए थे अनएम्प्लॉयमेंट थी लॉकडाउन की वजह से, वो भी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि लोग अब अपने गांव की तरफ भागे हैं, ठीक है, वापस हो सकता है टाइम लगे उन्हें आने में, तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से हेल्दी नहीं होंगी फ्यूचर में, हमको समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। तो ये तो बेकार की बात थी अभी के लिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, लिखना चाहे तो आप अपने हिसाब से एनालाइज करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखो यूएसए की जो इकोनॉमी होती है ना, उसको बोला जाता है ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन, ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन, यूएसए की इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन। फाइनल प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू एक्चुअल तौर पे यूएसए की कंपनीज
ही डिसाइड कर रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आगे बढ़ता हूं, जो आप चाइना की इकोनॉमी को बोलते हैं, इट इज द मेन पिलर, चाइना इज द मेन पिलर ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन इन वर्ल्ड, ठीक है। चाइना जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का मेन पिलर है वर्ल्ड में। तो इन दोनों बातों को समझना, तो दोनों का आपस में लड़ना ग्लोबल सप्लाई चेन की फाइट को बहुत ज्यादा टर्मोइल कर देता है, ठीक है। इतनी बात समझ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, इतना समझ लिया। वर्ल्ड में जो मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कंपनीज की, वो सब लोग कहां पर हैं, जैसे एप्पल हो गया, ये सब चाइना में अपनी यूनिट्स बनाए हुए हैं, चाइना के एसईजेड में, ठीक है। क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने उनको एटमॉस्फेयर दिया था, तो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो सब चाइना में बनते चले गए। और आज की सिचुएशन ये कि चाइना के साथ, चाइना अगर लॉकडाउन में रहता है आगे, ठीक है, तो ये जितना भी प्रोडक्शन है ये खराब होगा, क्योंकि वर्ल्ड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग एक पर्टिकुलर कंट्री में आपने कंसंट्रेट कर दिया है, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होता, ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स होते कंट्रीज के पास, तो बढ़िया रहता ना। अब जैसे कि अभी जापान ये बोल रहा है कि हम चाइना से अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग खींच के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो वर्ल्ड पूरी तरीके से चाइना पे एक तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज का चाइना में है, ठीक है, जिससे कंपनी के आउटपुट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर रही है और शेयर मार्केट्स धीरे धीरे कोलैप्स कर रहे हैं, कंपनी के सेल्स गिर रहे हैं, कंपनी का आउटपुट गिर रहा है, एक तरीके से बिजनेस कॉन्फिडेंस गिर रहा है, अब इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गिर रहा है, ठीक है। यही सब कुछ हुआ था 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में, ठीक है, तब इकोनॉमिक मेजर्स लिए गए थे, इंटरेस्ट रेट उठाया गया था, बात समझ आ रही है। लेकिन अभी जो 2020 में जो हमारा कोरोना वायरस आउटब्रेक आया है, ये मेजर तौर पे इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये इकोनॉमिक और हेल्थ दोनों का मिला जुला क्राइसिस है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे वर्ल्ड को ग्लोबल रिसेशन में ले आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो केवल केवल फाइनेंशियल मेजर से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, मार्केट में पैसा इंफ्यूज करने से काम नहीं चलेगा। जो लोग अपने घर भाग गए हैं ना अपनी जान बचा के लॉकडाउन के समय में, गांव में कस्बों में जो 90% मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, एसएमईज को, ठीक है, क्या वो वापस आएंगे इन इंडस्ट्रीज में, वापस लौटेंगे इंडिया में, क्या हमारे इंडिया की सप्लाई चेन स्ट्रांग होंगी, क्या इंडिया की सप्लाई चेन वर्ल्ड के लिए ऑल्टरनेटिव बनेगी, ये सब हमें सोचना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कंट्रीज अभी सोच रही हैं कि अपनी सप्लाई चेन को शिफ्ट करा जाए दूसरी कंट्रीज में, क्या इंडिया वो एटमॉस्फेयर फ्यूचर में दे पाएगा, क्या इंडिया की इंडस्ट्रीज इतनी हेल्दी रह पाएंगी आफ्टर लॉकडाउन, इन सबको हमें विचार करना पड़ेगा, आंसर में लिखना पड़ेगा, इतना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम रीजन देंगे सबसे पहले ट्रेड वॉर का, ट्रेड वॉर के बाद हम क्या रीजन देंगे, कोरोना वायरस आउटब्रेक, फिर ग्लोबल सप्लाई चेन समझाएंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन के बाद चाइना वाला एंगल बताएंगे, ठीक है। वर्ल्ड चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग में डिपेंडेंट है, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिपेंडेंट है, इंडिया एज अल्टरनेटिव हो सकता है नहीं हो सकता है, वर्ल्ड के शेयर मार्केट की वैल्यू गिर रही है, इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, बिजनेस कॉन्फिडेंस गिर रहा है, ये सब डालेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगर इन सप्लाई चेन्स में, ठीक है, इन सप्लाई चेन्स में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, लोगों के पास पैसा है, अगर लोग इन सप्लाई चेन्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो कहां इन्वेस्ट करेंगे, वो कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेंगे, भले ही कम प्रॉफिट मिले उन्हें, तो उनका ऑल्टरनेटिव कहां होता है, उनका ऑल्टरनेटिव होता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, तो वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खोजेंगे। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया में पिछले 7 quarters की बात करता हूं, 7 quarters में इंडिया का जीडीपी फॉल कर रहा था, ठीक है, और इंडिया का जीडीपी फॉल कर रहा था, इसका ये मतलब है इंडिया का इकोनॉमिक आउटपुट ऑलरेडी फॉल कर रहा था, ठीक है, चिंता की बात है, इंडिया का इकोनॉमिक आउटपुट ऑलरेडी फॉल कर रहा था, उसके ऊपर से इंडिया में कोरोना आउटब्रेक लग गया, कोरोना आउटब्रेक लग गया, कोरोना आउटब्रेक की वजह से लॉकडाउन लग गया, ठीक है, इंडिया की खुद की सप्लाई चेन, इंडिया की खुद की डोमेस्टिक सप्लाई चेन बंद हो गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो छोटे छोटे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं खुद भी खुद बंद हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, ठीक है।
अब इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है वो बाहर की सप्लाई चेन चाइना की जो चल रही है, थोड़ी मोड़ी जो भी चल रही है चाइना की, वहां से वो अपना सामान मंगा रहा है, जो मंगा रहा था ट्रेडिशनली वही इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से फुलफिल वर्क कर रही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इंडिया जो है बहुत बुरी सिचुएशन में आ गया है। 7 क्वार्टर्स में जीडीपी का गिरना, इकोनॉमिक आउटपुट गिर रहा है। ठीक है, कोरोना आउटब्रेक की वजह से लॉकडाउन बढ़ गया, तो ये जो इकोनॉमिक आउटपुट गिर रहा था इसमें तेजी आएगी और तेजी से गिरेगा। ठीक है, अब हम इंडिया की मोटे मोटे तौर पे बात करें तो क्या इंडिया, जैसे सपोज करो, क्या इंडिया फ्यूचर में ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हब बन सकता है? बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। ठीक है, चाइना जैसे देशों की बात करें तो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देम। हाल ही की बात करूं तो हमारे फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। आपने सुना होगा कि मतलब ट्रंप ब्राजील, यूएसए ब्राजील सब हमसे दवाइयां ले रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमें धमका भी रहे हैं। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री हमारी जो आउटपुट बना रही है वो भी ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना के साथ इंटीग्रेटेड है। सोचिए, जो इसमें रॉ मटेरियल आ रहा है ना, एपीआई का, एपीआई बताऊंगा समझाऊंगा आगे। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो ये आ रहे हैं ये भी चाइना से आ रहे हैं। जैसे सपोज करो पैरासिटामोल की गोली बनानी है, तो पैरासिटामोल की गोली बनाने में जितना भी सामान आएगा मैक्सिमम तौर पर वो चाइना से आ रहा है। ठीक है, और कोई इंजेक्शन बना रहा है वो चाइना से, उसका रॉ मटेरियल आ रहा है। तो ये एपीआई भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकते हैं अगर चाइना ने फ्यूचर में सप्लाई चेन रोकी। ठीक है, तो हमको ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे। कुछ इंडस्ट्री फार्मा की कुछ मेडिसिन, काफी मेडिसिन है इनफैक्ट कि जिसमें हम एपीआई अपने इंडिया में खोज रहे हैं, और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि मैक्सिमम तौर पे एपीआई हम इंडिया में ही बना सकें और अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को इंडिपेंडेंट बना ले चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन से। बात समझ आ रही है? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम जो है चाइना वर्ल्ड अगर ऑल्टरनेटिव खोजे तो इंडिया एक बड़ा मार्केट, बड़ा लैंड बने वर्ल्ड को एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में। उसके लिए हम आगे फ्यूचर में काम करना होगा और गवर्नमेंट को बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा स्टेप्स को। बात समझ आ रही है? चलिए, पर अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। हमने समझा कि इतना हो गया। ठीक है, एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम चाइना पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारी चाइना के साथ रिलेशन इतनी बेटर नहीं रही है पास्ट में। तो रीजन इसका ये रहा है कि चाइना के साथ हम इतने अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं हो पाए हैं। ठीक है, जहां हमें ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिले हैं वहीं हम चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम ऑल्टरनेटिव्स और भी खोज सकते हैं फ्यूचर में, जैसे जापान खोज रहा है अभी चाइना से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब चाइना में उसका जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस नेटवर्क को तोड़ के कहीं ऑल्टरनेटिव और खोजने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हम भी खोज सकते हैं जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन हमारी चाइना में है। ठीक है, इतना खत्म हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल आया है। ठीक है, तो इकोनॉमिक आउटपुट वर्ल्ड का गिर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का एक्सपोर्ट गिरेगा अगले फ्यूचर में, और गिर ही रहा है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट गिरेगा तो इंडिया को लॉस होगा, इंडिया की कमाई नहीं होगी। ठीक है, तो इंडिया को एक्सपोर्ट जो गिर रहा है वो कहां से भरना पड़ेगा? इंडिया को एक्चुअली में अपनी डोमेस्टिक डिमांड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम सेल्फ सस्टेन कर पाए फ्यूचर में अगर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा गिरता है, अगर इकोनॉमिक डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमिक डिमांड बहुत ज्यादा गिरती है तो हम अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पाए, इसके लिए हमें डोमेस्टिक डिमांड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और फिर वही रीजंस हैं सारे, रूरल डिमांड बढ़ाओ, मनरेगा वेजेस बढ़ाओ, पीएम किसान का अमाउंट बढ़ाओ। ठीक है, लोगों के हाथों में पैसा दो, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं पहले भी बता चुका हूं 2020 की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो केवल एक इकोनॉमिक हैपसार्ड नहीं है, मतलब इकोनॉमिक वे में ही हमें डील नहीं करना है, हमको दो तरीके से डील करना है। हमें मॉरल वे में डील करना है, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि काम पर लौटें। ठीक है, केवल मार्केट में पैसा इंफ्यूज करके लोगों के हाथों में पैसा देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सप्लाई, एक और डिमांड, दोनों ही चेंज प्रभावित हुई है। सप्लाई भी प्रभावित हुआ है और डिमांड भी प्रभावित हो रहा है। लोग घरों में बैठे हैं तो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सप्लाई चेन वैसे ही प्रभावित है, आप घर से बाहर निकलिए, चीजों की कमी होनी स्टार्ट हो गई है और आगे जाके और कमी होगी। जब उन चीजों को बनाने वाले लोग अपनी इंडस्ट्रीज में, अपने छोटे कारखानों में नहीं लौटेंगे तो सप्लाई चेन प्रभावित रहेंगी। बात समझ आ रही है? डिमांड प्रभावित है ऑलरेडी,
ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन है। ठीक है, 2008 में जो क्राइसिस आया था उसमें केवल और केवल डिमांड क्राइसिस था, सप्लाई तभी भी रीइंफोर्स थी। आज जो है सप्लाई और डिमांड दोनों तरीके से गड़बड़ हो रही हैं, इसमें हमें दोनों तरीके से काम करना है, इकोनॉमिक वे में भी और मॉरल वे में भी। लोगों को समझाना पड़ेगा कि एहतियात लेके आप वापस लौटेंगे काम पे। ठीक है, अभी जो सिचुएशन है लोगों की जिंदगी बचाना जो गवर्नमेंट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक डिमांड घटेगी, ठीक है, तो आपको डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाना है। देखो ये तो फैक्ट है कि इंडिया का प्रोडक्शन फ्यूचर में सफर करेगा, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिरेगी, बहुत मुश्किल होगा कि इंडिया को 1-2% भी जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया मेंटेन कर ले आने वाले दिनों में। ठीक है, तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए, इसको फेस करना पड़ेगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। चलो अब इतना सारा बुरा बुरा हो गया है, ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड ये हुई है कि ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए हैं, उसका मैं अलग बताऊंगा, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन के फॉर्म में। एक ऑयल प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल प्राइसेस क्रैश करने की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया की जो इंपोर्ट बिल है वो गिरेगा, ठीक है, और इंपोर्ट बिल गिरने की वजह से इंडिया के पास एक्स्ट्रा पैसा, याद रखना अगर $1 प्रति बैरल पैसा गिरता है, $1 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के पैसे में गिरावट होती है तो इंडिया को 10,000 करोड़ का फायदा होता है, पास में रही है, और यहाँ पे तो $27 तक पहुंच गया है पर बैरल, 27 तक पहुंच गया, सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इंडिया को बहुत बड़ा पैसा अमाउंट मिलेगा, ठीक है, उस अमाउंट को इंडिया यूज कर सकते हैं हाल ही के दिनों में कि जो हम इकोनॉमिक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, इस बात से मरी है। ठीक है, तो ऑयल प्राइसेस गिर गए हैं, अभी बस हमको इंडिया गवर्नमेंट को बस क्या करना है, क्लोजली वॉच करना है, मॉनिटर करना है कि सिचुएशन किस वे में अपने आप को दिखाएगी, वर्सन तो करेगी तो सब जानते हैं, पर किस वे में मूव करेगी इसको हमें देखना पड़ेगा, क्लोजली वॉच करना है, मॉनिटर करना है, बस इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना मैंने आंसर आपको समझा दिया, तो हमने क्या करा है पूरा, सबसे पहले आप रीजन देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करके आप रीजन देंगे, ट्रेड वॉर डालेंगे, ठीक है, ट्रेड वॉर डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप कोरोना वायरस आउटब्रेक दिखाएंगे, फिर आप दिखाएंगे कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स क्या है, किस तरह से अफेक्ट हो रही है, चाइना का रोल क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे खोलेंगे आंसर को, फिर आपने वही सारे पॉइंट्स, बिजनेस कॉन्फिडेंस ये सब गिरेगा, उसके बाद आप इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, इंडिया में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं जो 4-5 पॉइंट मैंने बताए, फिर एंड हम पॉजिटिव नोट से करेंगे कि हालांकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, ठीक है, और हमको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और इसको इनके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, करते हुए आगे बढ़ना है और गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है हर एक स्टेप में। ठीक है, बस नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।